ये हमारे पुल में ये इतना बड़ा कुरान है, जुमा मस्जिद हमारे बाजू में ही है, तो हम सब हर साल जो यह बाहर निकालते हैं कुरान, तो हम सब दर्शन करने यहाँ आते हैं। हम सभी हिंदू हैं मगर हम श्रद्धा से यहाँ दर्शन करने आते हैं। इसको देखने के लिए सरद के गांधी अब्दुल गफ्फार खान आ गए, पाकिस्तान की टीम आ गई, यहाँ की टीम आ गई, डॉक्टर जाकिर हुसैन आ गए, शेख अब्दुल्ला कश्मीरी के आ गए, कोई हस्ती ऐसी बाकी नहीं कि यहाँ पे कुरान से भी देखने आया हो। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर दिखाई दे रहा कुरान शरीफ हमारे भारत में ही मौजूद है और बताया जाता है कि ये कुरान शरीफ 250 साल से भी ज्यादा पुराना है और ये वडोदरा में मौजूद है। और दोस्तों, ये जानकर आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि इस कुरान शरीफ को आंखों में लगाने वाली काजल से लिखा गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, इस कुरान शरीफ को काजल से लिखा गया है और आप देख सकते हो कुरान शरीफ कितना पुराना है, कितना बड़ा है और आज भी इसकी लिखाई जू की तू है। और दोस्तों, इस कुरान शरीफ को बहुत ही बड़ी बड़ी हस्तियां भी देखने के लिए आई हैं, जैसे कि अब्दुल गफ्फार खान ने भी इसको देखा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भी इसको देखा है। और ये कुरान शरीफ आम लोगों के लिए एक साल में दो बार दिखाया जाता है और इस कुरान शरीफ को देखने के लिए सभी धर्म के लोग आते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी इसकी इज्जत करते हैं और सभी इसको प्यार मोहब्बत से देखने के लिए आते हैं। वाकई में ये कुरान शरीफ देखने में बहुत बड़ा है और बहुत ही ज्यादा पुराना भी दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए ये जो ऐतिहासिक जो कुरान है ये हमारे हिंदुस्तान की नाक है। अगर बाहर से कोई आके कहता है कि हमने कुछ देखा नहीं, ये नहीं देखा, आपने कुछ नहीं देखा, ये इराक से आए थे, इनका नाम था मोहम्मद गौस, इन्होंने पूरा कुरान शरीफ हाथ से लिखा हुआ है, फारसी में तर्जुमा है, फारसी में तफसीर, अरबी में लिखा हुआ है। और इसकी खासियत ये है कि अपने जो आँख में काजल लगा था ये काजल से लिखा हुआ है। 250 साल होने के बावजूद भी आज भी देखो इसकी चमक धमक इसी की जैसा ही अब भी कुरान से लिखा हुआ है।